ये डब्बा हटाए पापा, दोस्तों आप लोगों को मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जब भी आप ट्यूब बनाएं, तिरंग बनाएं, उस समय ऐसे प्रॉपर तरीके से डाल लीजिए। ये देखें इस तरह ये बच्चा मेरे पास एक आया है, उसके टॉप में पाइप चला गया है, देखिए कितनी अजीब तरह इसको निकालने का प्रोसेस होता है। ये देखिए ये देखें ये पाइप पाइप दिखाओ, ये पाइप बाहर आ गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्लाह पाक का करम है, ये बच्चा बच गया है। मेरा पाइप लेकर आइएगा, वॉशिंग मशीन पे, वॉशिंग मशीन पे। ये पाइप जब भी आप लगाएं तो खास तौर पे इस चीज का ख्याल कीजिए कि ट्रंच के ऊपर ये टाइट चढ़ता हुआ हो, ट्रंच के मुंह पे ये टाइट बड़ी मुश्किल से चढ़ता हुआ हो। यकीनन जब ये पाइप चढ़ाया गया था तो इस पाइप के ऊपर वो ट्रंच के ऊपर ये बहुत इजी चढ़ गया होगा, जिसकी वजह से ये आराम से निकल गया। इस उम्र का बच्चा माशाल्लाह अपनी ताकत और अपनी जान में, अपनी ग्रोथ में आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये समटाइम पाइप को पकड़ के ये रह गया। ये देखिए ये खींच लेता है पाइप को, जब भी क्रंच पे लगाएं जरा से क्लोज करो इस चिट्ठे को। अगर आपको ये जगह नजर आ रहा हो तो आप देखिए कि ये बहुत मजबूती से चढ़ा हुआ है। ये देखें एलपी के बगैर भी ये बहुत मजबूती थी, इसमें तो एलपी लगी हुई है। आप इस तरीके से करें कि उस पाइप को आपको पूरी ताकत लगा के घुसाना पड़े। क्या आप ये सोचिए कि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जरासी कोताही से अगर ये इसके अंदर चला जाता खुदा ना खास्ता तो बच्चा जाया भी हो सकता है। जाया होने का मतलब ये नहीं होता कि ये पैसा चला गया, दरअसल बात ये होती है कि जानदार हमारी कोताही की वजह से जान से चला जाता है। शुक्रिया।